शेयर मार्केट में हमेशा आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं ट्रेडर्स होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे कुछ स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करके रखें मार्केट में जब भी ट्रेंड रिवर्स हो जाए उन स्टॉक्स में पोजिशन क्रिएट करके हम अच्छे पैसे कमा भी सकें तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो कितने परसेंटेज के गेन्स आप बना सकते हो किस तरीके का स्टॉप लॉस रख के आपकी जो विनिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे हो सकती है और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आने वाले जीफी प्लेटफॉर्म को जहाँ पर स्ट्रेटेजी नाम के एक फीचर को हम यूज़ करेंगे और मैं समझाऊँगा पूरा वॉक थ्रू दूंगा और मैंने इसे इसीलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये आज के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से अपनी एनालिसिस पहले से ही करके रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो डेवलप कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होती है तो वहां पर डायरेक्ट पैसे भी बना सके और उसी के साथ एक पावर टिप भी मैं आपके साथ कंक्लूजन वाले सेक्शन में शेयर करूंगा तो बिना स्किप किए इस एजुकेशनल वीडियो को आप देखिए बने रहिए मेरे साथ शुरू करते हैं आइए मिलकर सीखते हैं अब दोस्तों मैं आपको लाइव ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे बैक टेस्टिंग करके आप आसानी से ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इसके लिए मैं यूज करूंगा जिफी का प्लेटफॉर्म जो आता है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी उस लिंक के माध्यम से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर ये जो फीचर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी का उसे बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि कैसे बैक टेस्टिंग करके आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लोगे और उसमें आप एक ट्रेड में एंट्री करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हो अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं स्ट्रैटेजी वाले जो ऑप्शन है जो फीचर है उसे क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं इसे क्लिक कर दूंगा आप यहाँ पर इस विंडो पर आ जाएंगे अब यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर प्लस वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर देंगे जैसे ही क्रिएट स्ट्रेटेजी में हम आ जाएंगे तो हमें एक नाम देना होता है जैसे यहाँ पर मैं नाम देता हूँ संडे निवेश फॉर एन एग्जाम्पल पोजीशन में आपको क्लिक करना होता है लॉन्ग यहाँ पर मैं लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बता रहा हूँ तो मैं लॉन्ग को सेलेक्ट करूँगा इंटरवल यहाँ पर मैं वन डे की लेता हूँ और जो चार्ट टाइप है दोस्तों वो तीन टाइप के आपको चार्ट टाइप्स यहाँ पर देखने मिलते हैं कैंडल स्टिक हैकेनाशी और रेनको आप इन तीनों में से जो भी आप प्रेफर करते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हो तो मैं फिलहाल यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए कैंडल स्टिक को ही चूज़ कर लेता हूँ इंडिकेटर मैं यहाँ पर क्लोज को टाइप करूंगा और जैसे मैं क्लोज को टाइप करूंगा यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी यहाँ पर मुझे रखना है क्रॉसिस अबाव यानी कि जब भी सिंपल मूविंग एवरेज ये जो इंडिकेटर है मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ जब भी सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस कर ले 50 दिन के अपने पीरियड को तो वो इंडिकेशन मुझे चाहिए क्योंकि दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है खास करके पचास दिन टाइम इंटरवल वाला जहाँ पर एक्यूरेसी जो रेट है वो एटी टू नाइन्टी का देखा गया है हिस्टोरिकली इसलिए मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर दूंगा उसके बाद स्टॉप लॉस इन परसेंटेज यहाँ पर मैं तीन परसेंट का स्टॉप लॉस और पाँच परसेंट का प्रॉफिट का एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट को क्लिक कर दूंगा जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे ये पूछेगा कि कौन से स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप पचास स्टॉक तक यहाँ पर डेटा डाल सकते हो ताकि आप चेक कर सको कि, कि किस हिसाब से स्ट्रैटेजी वाली जो एक्सरसाइज है वो काम करती है फीचर आपको किस हिसाब के रिजल्ट दिखाता है कौन से कौन से स्टॉक्स में आपको वो देखना है रिजल्ट वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो इनका बास्केट रहता है वो भी आप पूरा डाल सकते हो लेकिन पहले डेमांसट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर एक स्टॉक ले लेता हूँ जैसे कि इन्फोसिस इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पर क्वांटिटी यह आपके ऊपर है कि आप किस वॉल्यूम पे काम काज करना चाहते हो इसे मैं फिलहाल 10 स्टॉक्स की रखूंगा उसके बाद ये पीरियड है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पर पीरियड जो है मैं सिलेक्ट कर दूंगा मान लीजिए पूरे 2021 का तो यहाँ पर मैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का एक पीरियड ले लेता हूँ कि एक पूरे साल में कैलेंडर ईयर में अगर मैं स्ट्रेटजी के साथ काम करता तो किस हिसाब के मुझे रिजल्ट आते यहाँ पर मैं मॉडिफाई बैक टेस्ट या सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे कि टोटल मेरे सात ट्रेड्स होते जिसमें से चार में विन होता तीन में लॉस होता और रिटर्न्स मेरे बनते 5.88 परसेंट के जो मेरे हिसाब से रीजनेबल है यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना होता है लेकिन ये अगर हम पूरे अगर आई बास्केट में लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पर देखेगा निफ्टी आई बास्केट अगर इसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इन्फोसिस एच सी एल टी सी एस टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे स्टॉक्स आ जाते हैं बाकी सारी डिटेल्स मैं सेम रखूंगा और यहाँ पर मॉडिफाई बैक टेस्ट पर क्लिक कर दूंगा जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा उसके बाद आप ये देखोगे अलग अलग स्टॉक के मुझे अलग अलग रिटर्न यहाँ पर दिखाई देंगे तो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों वो एच सी एल टेक में यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं क्योंकि जो पाँचों के पाँचों ट्रेड के सिग्नल्स थे यानी कि इस स्टॉक के प्राइस ने जब भी 50 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया और उसमें जो हमारे प्रॉफिट के टारगेट थे वो मीट हुए हैं उसी केस में अगर इन्फोसिस जिसकी हमने पहले भी डिस्कशन की सात ट्रेड्स हुए थे चार विन तीन लॉस फाइव का रिटर्न एस में ट्वेंटी का रिटर्न टी सी में ओनली जीरो का रिटर्न यहाँ पर भी सात ट्रेड्स हुए जिसमें से तीन विन चार लूज हुए थे टेक महिंद्रा की बात करें तो छः ट्रेड्स टोटल हुए जहाँ पर 17.64 परसेंट के रिटर्न्स बने यहाँ पर पांच विन एक लॉस विप्रो की बात करें तो यहाँ पर भी पांच ट्रेड्स टोटल एग्जीक्यूट हुए जिसमें चार विंस एक लॉस तो यहाँ पर टोटल रिटर्न 16.53 परसेंट के बने तो ये डिसेंट रिटर्न है अगर हम एक साल के पीरियड की बात करें पूरे आई बास्केट का मैंने जो एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है जैसे ये क्लियर हो रहा है दोस्तों की जब भी स्टॉक का प्राइस फिफ्टी डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है उसके बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है अब ये कैसे कर रहा है ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ जैसे कि एच सी एल टेक है यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू बैक टेस्ट तो कभी कभी कौन से कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं एच सी एल टेक्नोलॉजी के अंदर इस डिफाइंड टाइम फ्रेम में उसकी भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है इस ऑप्शन के मदद से तो पर अभी आप देख पा रहे हो कि किस तरीके के के रिटर्न हमें मिले थे। के मिले थे थे ये वही है जो हमने यहां पर देखे और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पांच ट्रेड थे वो पांच के पांच हमारे विन के थे यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है जो आपको वहां पर भी देख रहा था और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के रेशियो भी देखने के लिए मिलते हैं तो आप ये देख सकते हो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इन रेशोस के हिसाब से किस प्रकार से ठहर रही है और यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है उसके बाद आप नीचे जैसे स्क्रोल करोगे तो सारी ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी जैसे कि यहाँ पर सेकेंड फैब को यहाँ पर एक एंट्री हुई है नाइन पॉइंट एटी पैसे पर नाइन सेवनटी फोर पॉइंट सेवेंटी सेवन पैसे पर एग्जिट हो गई नाइन्थ फरवरी को उसी तरह मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ जैसे कि नाइन्थ जून को यहाँ पर आ, दस क्वांटिटी जो हमने सेट कर रखी थी नाइन सेवेंटी थ्री पर एंट्री हुई पंद्रह जुलाई दो हजार इक्कीस में यहाँ पर एक हजार पंद्रह रुपये पे एग्जिट भी हो गई तो ये सारे जो ट्रेल्स हैं आप वो देख सकते हो इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हो उसे अगर आपको स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने हैं बेसिस ऑन दिस रेशो तो वो भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये एक फीचर जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करा देता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसके स्कोर्स को दिखाने के लिए और ये जो सारी ट्रांजेक्शन हमने देखी अब इसके लिए एक डेमॉन्स्ट्रेशन पर भी चलते हैं जहाँ पर हम ग्राफिकल व्यू में यानी कि चार्ट खोल के भी देख लेते हैं एच सी टेक्नोलॉजीज का एच टेक को जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये आप रेड लाइन जो देख रहे हो ये 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की है तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ देखिए जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था उसके बाद तो आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा यहाँ पर मूव यहाँ इस स्टॉक से दिखाई पड़ा था जो करीबन 37 परसेंट के रिटर्न बनाकर दिए थे उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पर आया यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो रिटर्न है वो फिफ्टीन के बने हैं उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया लेकिन यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करें तो केवल वन के बने और यहाँ पर जैसे ही इसने स्टॉक ने 50 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ा है उसके बाद देखिए किस तरीके से फिसला है तो आप लॉन्ग या शॉर्ट जिस भी तरीके के ट्रेड की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो वो ट्रेड की डिटेल्स डाल के वो कंडीशंस डाल के बड़ी आसानी से ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो बैक टेस्ट कर सकते हो यहाँ पर माय स्ट्रैटेजी में आ जाओ यहाँ पर आपको सारी स्ट्रैटेजीज दिखेंगी जो भी आपने क्रिएट की हुई है आप किसी भी स्ट्रैटेजी को वापस जाके देख भी सकते हो कि किस हिसाब के रिटर्न आए थे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह स्ट्रेटजी जो है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ की जा सकती थी विप्रो जैसे स्टॉक में तो यहाँ पर मैं आ, रन ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो मिनिमम स्टॉप लॉस है मैंने तीन का लगाया था ऐसे मैं दो कर दूंगा उसके बाद मैं इसे रन कर दूंगा तो आप आप देख पा रहे हो कि किस हिसाब के मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स आते तो देखिए अगर मैंने तीन का स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया हुआ था उससे मुझे सिर्फ सिक्सटीन के ही रिटर्न मिले और अगर मैं स्टॉप लॉस टू का लगाता और टेक प्रॉफिट मेरा पाँच का रहता तो यहाँ पर मुझे सेवनटीन परसेंट के रिटर्न मिलते तो ये सारी चीज़ें आप देख पाते हो कि किस हिसाब का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है किस हिसाब का मुझे टारगेट लगाना है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फीचर जिससे आपको एक ऑलरेडी आइडिया मिल जाती है कि किस हिसाब की मेरी जो रिस्क अगेंस्ट रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी हो वो बननी चाहिए वो होनी चाहिए ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में बेसिस ऑन द बैक टेस्टिंग एक्सरसाइज और मैं आपको बताता हूँ इसमें भी डिमॉन्स्ट्रेशन करके जैसे कि यहाँ पर विप्रो है ठीक है विप्रो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सिम्बॉल सेलेक्ट कर दी अब देखिए यहाँ पर ये यह जो रेड लाइन आप देख रहे हो अगेन ये जो है ये 50 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज है अब आप ये देख रहे हो कि जब ये क्लोजिंग है ना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होती है ये देखिए ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ये इसके ऊपर हुई थी ठीक है अब यहाँ से लेकर अगर आप रिटर्न देखोगे यहाँ तक तो ट्वेल्व परसेंट के रिटर्न्स बने थे बड़ी आसानी से उसके बाद यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ से आप पकड़ोगे तो यहाँ से भी आराम से एट परसेंट के रिटर्न बन गए थे यहाँ पर जब ये क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो रिटर्न थे वो यहाँ पर टू परसेंट के बने थे और ये तो मैं इस साल की डेटा को रेफर कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे चला जाऊँ देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब ये जो कैंडल है वो क्लोज़ हुई थी उसके बाद देखिए किस तरीके के यहाँ पर रिटर्न बने हैं वन परसेंट के रिटर्न दोस्तों यहाँ पर बने थे उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो अगेन थर्टी परसेंट के रिटर्न बने थे फिर ये नीचे आया था फिर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी तो यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्वेंटी फोर परसेंट के रिटर्न बने थे फिर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी यहाँ से लेकर अगर मैं देखूँगा यहाँ तक तो टेन के रिटर्न बने थे तो ये जो भी स्टॉक के ब्रेकआउट्स है सिंपल मूविंग एवरेज के बाद आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसके हिसाब से आप ये बैक टेस्टिंग वाली स्ट्रेटजी वाला जो फ़ीचर है जिसी का जो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आता है उसमें आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है और क्यों मैं कह रहा हूँ ना कि इस फ़ीचर से आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि ये सब चीज़ जो मैनुअली आप कर रहे हो ना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ किस तरीके से लगाऊँ वही काम अगर आप एक बैक टेस्टिंग करके अच्छे से नोट करके रखते हो लेवल्स की अगर टू परसेंट के स्टॉप लॉस पे सेवन परसेंट के प्रॉफिट पे ज़्यादा रन रेशो आ रहा है ज़्यादा विन रेशो आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उस तरीके की स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए एक ऑटोमेशन मिल जाती है राधर देन आप मैनुअली बैठ के हर एक स्टॉक में ये काम करो इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर जिफी में जाते हो तो यहाँ पर आपको जो रेडीमेड इनकी स्ट्रैटेजीज हैं जो स्ट्रेटेजी के थ्रू बनाई हुई है वो भी मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर आप मारुति का देख रहे हो रिलायंस का देख रहे हो एच डी बैंक का देख रहे हो तो इनकी भी ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो स्ट्रैटेजी फीचर के थ्रू बनाई हुई है इन बैक टेस्टिंग कर सकते हो बैक टेस्ट करके आप यहाँ पर इनके रिजल्ट जो है वो देख सकते हो ये सारे कंडीशंस लगे हुए हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक पीरियड जो सिलेक्ट होगा उसके बाद आप सेव एंड बैक टेस्ट करोगे तो यहाँ पर वो सारी जो स्ट्रेटजीज के रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर रिफ्रेश होते हुए दिखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको देखने मिल रहा है एट्टी टोटल ट्रेड्स हुए हैं फोर्टी फोर विन्स हैं थर्टी नाइन लोसेस हैं और यहाँ पर जो अमाउंट है टू लैक फोटी फोर थाउज़ेंड का लगा है टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्टी सेवन थाउजेंडें सेवन ट्वेंटी फोर का हुआ है रिटर्न की बात करें तो नाइनटीन पॉइंट फिफ्टी टू परसेंट के रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहे हैं तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न होते हैं तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन से आप बहुत कुछ अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके उनमें एंट्री पोजिशन्स क्रिएट कर सकते हो और यहाँ तक अगर यही स्ट्रेटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी है वर्चुअली अगर आपको रन करनी है तो यहाँ पर रन वर्चुअल पे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद क्वांटिटी आप अपनी सेट कर सकते हो अगर सिर्फ 10 क्वांटिटी के हिसाब से करना है तो वो भी आप कर सकते हो कितने टाइम तक ये लाइव रहेगी वो भी आप कर सकते हो उसके बाद आप सिंपली रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ये स्ट्रैटेजी है वो वर्चुअल ट्रेड आपका स्टार्ट भी हो जाएगा अब कमाल की बात दोस्तों ये है कि जिफी जो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आता है उनका जो ये फीचर है स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगती है यहाँ तक आपको फ्री इन हाउस रिसर्च वाली सर्विस भी मिल जाती है और इनकी जो रिसर्च सर्विस है दोस्तों वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है कैटेगरी वन जो है वो एक्सपर्ट कैटेगरी है जहाँ पर आपको इनकी ये रिसर्च टीम कैश सेगमेंट में कॉल्स देती है और कैश सेगमेंट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म तीनों कैटेगरी के, के यहाँ पर सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो डेरिवेटिव्स कमोडिटी करेंसी जैसे सेगमेंट में भी आपको इनके रिसर्च कॉल्स मिलते रहते हैं दूसरी जो कैटेगरी है वो है सिग्नल की सिग्नल के अंदर आपको ऑटोमेटेड यहाँ पर रिसर्च सर्विस प्रोवाइड की जाती है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है जो दो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है एक सेगमेंट है इक्विटी का जहाँ पर इंट्रास्पर्ट डार्क हॉल सी क्वान्ट करके स्ट्रेटेजी होती है और जो दूसरा सेगमेंट है डेरिवेटिव्स का जहाँ पर फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर इंट्राडे फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर पोजिशनल यानी कि इंट्राडे और पोजिशनल की फ्यूचर्स के अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर रिसर्च कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और जिफी जो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आता है दोस्तों वहां पर ब्रोकरेज जो है वो इंट्राडे में जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट की है डिलीवरी पर जीरो पॉइंट टू जीरो परसेंट किया ऑप्शन पच्चीस रुपया फ्लैट पर लॉट की चार्जेस है फ्यूचर्स जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट टीपी चार्जेस दस रुपया पर स्क्रिप्ट प्लस जीएसटी जो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है कॉल एंड ट्रेड की बात करें तो फ्री में मिल जाता है स्क्वायर ऑफ चार्जेस आपको कोई नहीं लगते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको यहाँ पर कोई नहीं लगते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कीजिएगा अगर आप करते हो तो पहले साल की जो ए है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी यानी कि कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगी हाँ सेकेंड ईयर से आपको दो प्लस जी के चार्जेस लगते हैं और रिसर्च एडवाइजरी जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल भी आपको फ्री में मिल जाएगा दोनों ही कैटेगरी की रिसर्च सर्विसेज का लाभ आप बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ ही स्टॉक्स पे आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करके दिखाई है अगर आपको यहाँ पर ढंग से सीखना है समझना है तो आप बहुत सारे स्टॉक्स पर ही स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए अलग अलग जो कंडीशन है उसे यूज़ कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है जिसके माध्यम से अकाउंट तो बिल्कुल भी फ्री में आपका ओपन हो जाएगा कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगी उसी के साथ ये स्ट्रैटेजी वाला फीचर भी बिल्कुल फ्री है तो आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है आपको अपना होमवर्क करना है अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर टेस्ट कीजिए ये पावर टिप है मैंने एक टाइम फ्रेम लिया था लेकिन आप अलग अलग टाइम फ्रेम लीजिए आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम लेना है कम टाइम फ्रेम लेना है सारे टाइम फ्रेम से टेस्ट कीजिए कि वो पर्टिकुलर स्टॉक जो आपका फेवरेट है वो जब भी सिंपल मूविंग एवरेजेस के 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उसके बाद किस तरीके का मूव उसमें आता है किस तरीके के विन और लॉसेस के रेशो भी है जिससे आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल जाएगा आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी और जब भी वो कंडीशन मीट होगी आप वहाँ पर उस ट्रेड को इनिशिएट करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा अगर आप सहमति रखते तो वीडियो को लाइक करें पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मैं आपको हाई बीटा स्टॉक्स वाले टॉपिक्स को कवर करके एक एकफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा ताकि आपको ऐसे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई हो सके जिनमें बहुत ही ज्यादा मोमेंटम होता है जब भी मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स होता है यानी कि अप ट्रेंड में आता है तो उनमें काफ़ी ज्यादा आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने मिलती है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेलाइन को दबा दीजिएगा क्विक को और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है ऑफिशियल चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसी के माध्यम से आप ज्वाइन कीजिएगा जहाँ पर काम की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस एडुकेशनल वीडियो को यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा